क्लास सिक्स है, प्रश्न नंबर 30 है। ए बी रेखा पर बिंदु ए पर प्रकार द्वारा 135 अंश का कोण बनाएं। तो पिछले प्रश्न की तरह है ये, प्रश्न नंबर 32 की तरह ही है। ए बी लाइन लगानी है, सबसे पहले आपने ए बी लाइन लगा लेंगे, और जब आप ए बी लाइन लगाएं तभी साथ में भी एक डॉटेड लाइन दूसरी साइड को निकाल लें। डॉटेड लाइन, छोटे छोटे डॉट लगाने हैं। ए और बी पॉइंट आ गए आपके पास। अब आपने ए पॉइंट के ऊपर 90 अंश का कोण बनाना है, 90 अंश का कोण बनाना है, छोटे छोटे डॉट लगाने हैं। पहली चाप 60 डिग्री की होती है, दूसरी 120 की, तो 120 वाले के ऊपर से ये काटनी है जो आपने ऊपर की तरफ बढ़ाई है, नहीं बढ़ी है तो इसको बढ़ा देना ऊपर की तरफ ऐसे, जहाँ ये कट जाएगा वहाँ 90 अंश का कोण बन जाएगा। तो 90 अंश का कोण बनाएं, ये डॉटेड बनाना है। आंसर की लाइन डायरेक्ट होती है, ज्योमेट्रिकल का नियम है। तो अब आपके ये पॉइंट P आ गया, ये Q आ गया, ये R आ गया, ये S आ गया, इधर ये T आ गया, ये M पॉइंट आ गया। अब 90 में कितने डाल दिए जाएं कि 135 बन जाएं, 90 में कितने डाल दें, तो 90 में अगर हम 45 डाल देंगे, 90 में अगर हम 45 डाल देंगे तो हमारे पास 135 बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 90 है। अब आपको पता है यहाँ से यहाँ तक 90 है और यहाँ से यहाँ तक भी 90 है। अगर इस अगले वाले 90 का अगर हम हाफ करेंगे तो यहाँ तक 90 तो हमारे पास है, 90 में हमने 45 कहाँ से लेने, तो अगले वाले 90 का हाफ करना है। तो हाफ करने का तरीका वही है जो आपने मैंने पीछे बताया हुआ है, प्रकार जैसे है वैसे रहने, तो कोई चेंज नहीं करनी है, छोटे छोटे डॉट लगाने हैं, 90 के ऊपर रखनी है आर पॉइंट के ऊपर, फिर आपने एम पॉइंट के ले जानी है जो 180 का कोण है, इसके ऊपर ले जानी है और 90 वाला ये कोण काटना है आपने, जो आपने चाप लगाई इसको काटना है। ये कोण अब आपका 135 अंश का बन गया है, ये कोण इसको डायरेक्ट करना है अब आपने, इसका पॉइंट का नाम सी रख दिया। अब यह 135 डिग्री है, 135 डिग्री, अब देख लीजिए समझ लीजिए इसको पहले। अब यहाँ से यहाँ तक 45 है और यहाँ से यहाँ भी 45 है, तो हमने यहाँ 90 यहाँ तक हो गया, 90 आगे अगला 45 इसमें जोड़ दिया और 135 का कोण हमारे पास ये बन गया है।